जय हिंद। मैं अमित लोढ़ा, आईपीएस आईजीबीएसएफ। न्यूज़ तक के माध्यम से सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिनों में पूरा देश एकजुट होकर इस वक्त जो हमारे पुलवामा के शहीद सैनिक हैं उनके साथ हैं, उनको संबल प्रदान करते हैं कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एक वेब पोर्टल संचालित है जिसका नाम है bharatkeveer.gov.in। इसे माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने 9 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया था और ये बहुत ही आसान सी वेबसाइट है। आप लोग इस पर जाकर 2-3 स्टेप्स में अपना योगदान किसी भी शहीद अर्धसैनिक किसी भी अर्धसैनिक बल के शहीद जवान को दे सकते हैं। इसमें हम लोग उस अर्धसैनिक बल के जवान या अफसर की डिटेल्स अपलोड करते हैं, उनकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, साथ ही साथ हम उन लोगों के परिवार के बारे में बताते हैं किस इंसिडेंट में उनके साथ इंसिडेंट में वो वीरगति को प्राप्त हुए उसके बारे में लिखते हैं। साथ ही उनका वेरीफाइड बैंक अकाउंट नंबर है वो हम लोग इस वेब पोर्टल पे डालते हैं और आप बहुत आसानी से इस पे अपना अंशदान दे सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन मात्र 10 रुपये है और इस पूरे होने के बाद प्रक्रिया के 2-3 स्टेप्स होने के बाद आपको भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा एक धन्यवाद ज्ञापन मिलेगा, रसीद मिलेगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसी भारत के वीर वेब पोर्टल पर जाकर आप कॉर्पस में भी अपना योगदान दे सकते हैं, अपना अंशदान दे सकते हैं। आपको ये जानकर बताना ज़रूरी है कि इसमें ATG की सुविधा भी है। साथ ही साथ अगर कुछ लोग बहुत बड़ा अपना अमाउंट देना चाहते हैं, कुछ कॉरपोरेट्स हैं जो कई बार इस बारे में अपने पूरे महीने की तनख्वाह या अपना योगदान देना चाहते हैं तो भारत के वीर के नाम से एक चेक बनाकर भी आप गृह मंत्रालय में दे सकते हैं। जी हाँ ऑब्वियसली बहुत दुख की बात है, बट हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं बहुत मजबूत हैं। जब पूरे देश का सपोर्ट हो, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री सभी इस बात को लेके आहत हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों का पूरे देश का सपोर्ट है। आगे बढ़ने की आप सबसे प्रेरणा मिल रही है तो आप निश्चिंत रहें, इसका जब सही वक्त आएगा सही इसकी टैक्टिक से जो भी इसका निवारण भी किया जाएगा। देखिए प्रोफेशनल हैज़र्ड है ये, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जब भी कोई वर्दी पहनता है चाहे वो आर्मी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पैरा मिलिट्री फोर्स का है, हमको अभी भी नहीं चाहेंगे ऐसी कोई घटना हो। लेकिन ऐसी घटना कभी कभी बहुत दुख की बात है, मतलब होती हैं, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। उनकी मैं भावना को समझता हूँ, लेकिन CRPF PSF सभी प्रतिबद्ध है कि आगे बढ़ना और देश की सेवा के लिए सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे सबसे नीचे हमारे हम सभी लोग हैं, तो इसमें सब लोग लगे हुए हैं। उसके बारे में अलग बात होगी। अभी भारत के वीर के बारे में कोई भी कुछ जानना चाहते हो तो कृपया आप इसमें पूछें। जी हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, ये वेब पोर्टल है भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित। आप कभी भी अपना योगदान अंशदान देना चाहते हैं किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान या अफसर के परिवार को तो आप इसके माध्यम से जाएं, किसी और जगह ना जाएं। आप ये गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हमारा वेब पोर्टल है और क्योंकि बीच में ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था 2-3 दिन, हमारे पूरे भारत की जनता का अभूतपूर्व इस बार सहयोग रहा हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए, आर्मी के लिए, सबके लिए, तो कभी कभी ये कुछ देर के लिए इसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही थी, बट अभी इसको पूरा बहुत ही बढ़िया रूप से, बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो अभी आप चाहेंगे तो इसके कॉर्पस में आप लोग फंड जमा करें, जब भी भविष्य में किसी को भी मौका मिलता है इस पे जरूर जाएं, bharatkeveer.gov.in। चलिए धन्यवाद। जी नहीं, ये और इसमें मैं बहुत जूनियर हूँ उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए। सरकार इसमें नीति बनाती है, बहुत ऊपर के लोग हैं, लेकिन भाई हम वापस यही बताना चाहेंगे कि देश की जनता जो सहयोग कर रही है वो करती रहे, जो सपोर्ट है वो सबसे ज़रूरी वही है। और भारत के वी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर ज़रूर आप जाकर अपना कॉर्पस में उसका योगदान दें।